पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और सबका वज़ी अल जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती ने सहाफ़त को लेकर कुछ बातें जम्मू में कहीं वो सहाफ़ियों से ख़िताब कर रही थी और उस उसफ़ियों से खिताब के दौरान उन्होंने ये कहा कि सहाफ़त सीखनी है तो अमेरिका से सीखिए किस तरीके से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट रोक दिया और अपने सदर को लोगों के बीच में झूठ फैलाने से रोक दिया यूं कहा कि आप अब अमेरिका से सीख लें कि सहाफ़त कैसे की जानी चाहिए अगर हम अमेरिका के इंस्टीट्यूशन की बात करें वहाँ के अखबार की बात करें वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो आपको साफ़ तौर पर वो न्यूज़ चैनल्स भी अखबार भी दो खानों में बटे हुए नजर आते हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं इसमें इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम प्रोफेशनलिज़म के मैार की बात करें तो प्रोफेशनलिज्म में बहुत कुछ अमेरिका से सीखा जा सकता है लेकिन हम जब अपने जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को ये हिदायत देते हैं कि आप अमेरिका से सहाफ़त सीखें तो हम थोड़ा सा अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमको ये मालूम पड़ेगा कि व वक्ता फ़वकाता हमारे भी फेवरेट रहे हैं हमारे भी कुछ ख़ास रहे हैं हमने भी कुछ खास लोगों से दोस्ती रखी है और हमने भी कुछ खास लोगों से अना रखी है हमने भी कुछ खास लोगों से दूरी बनाए रखी है इसलिए यह कहना कि सहाफी अब सीखें और यह कहना कि कुछ चैनल हैं जो बीजेपी के खास हैं बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं बीजेपी का ये चलाते हैं बीजेपी का वो चलाते हैं यह हम आज कह रहे हैं लेकिन तारीख के पन्नों को पलट कर अगर देखें तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि बहुत सारे अखबार भी वही कहते थे जो आप कहलवाना चाहते थे बहुत सारे चैनल वैसे वो थे जो वही कहते थे जो आप कहलवाना चाहते थे क्या यह हकीकत नहीं है क्या हम इस हकीकत को भूल जाए क्या हम भूल जाए कि हमने अपने माजी में क्या कुछ किया है हम भूल नहीं सकते माजी हमारे साथ है खत्म नहीं होता तारीख की किताबों में जम होकर रह गया है इसलिए सहाफ़ियों को कभी इस पाले में डालना कभी उस पाले में डालना ये बीजेपी का फेवरेट है ये आरएसएस का फेवरेट है ये हमारा फेवरेट है ये उनका फेवरेट है असल में अगर देखिएगा, तो सहाफ़ियों का हाल ये है कि किसी के भी फेवरेट सहाफ़ी नहीं है कोई भी सहाफ़ियों को ज़्यादा देर पसंद या बर्दाश्त नहीं करता जब तक एक सहाफ़ी की, की सहाफ़त और उसका कलम एक हुकूमत की तारीफ करता है तब तक वो सहाफ़ी भी उसकी कलम भी हुकूमत की सबसे ज्यादा पसंदीदा कलम होती है लेकिन जब वो कलम थोड़ा सा हुकूमत की तनकीद करना शुरू कर दे हुकूमत को आड़े हाथों हाथ लेना शुरू करे न वो कलम पसंद आती है न वो सहाफ़ी पसंद आता है इस हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते और ये भी एक हकीकत है कि जब तक आप हुकूमत में हैं तब तक एक सिलेक्टेड ग्रुप सहाफियों का है जिससे आप बिल्कुल दूरी बनाए रखते हैं लेकिन जिस वक़्त आप हुकूमत से बाहर होते हैं वही सहाफी आपके फेवरेट हो जाते हैं उन्हींफियों के कल जोर कलम पर आपको बड़ा फख्र बड़ा नाज होता है वजह क्या है मामला क्या? मामला बिल्कुल साफ है जब तक आप मेरी तारीफ कर रहे हैं आप मेरे हैं और जब आप मेरी तारीफ करना बंद कर दें आप उसके हैं जिसकी तारीफ आपने करना शुरू कर दी है जबकि हकीकत यह है कि जो आपको तारीफ नजर आ रही है वो असल में वो काम गिनवाए जा रहे हैं जो हुकूमत करती है वह आपके दौर में भी होता था और जो तनकीद आपकी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आप अपने दौर हुकूमत में जो किया करते थे वही अगर दूसरे किसी के दौर हुकूमत में हो रहा है तो आप इसे गलत कैसे कह सकते हैं जब आज़ाद सहाफत को आपने पसंद किया हो जब आज़ाद सहाफत को आपने मजबूत करने का काम किया हो जब आपने आज़ाद सहाफियों को अपना सबसे बड़ा असासा समझा हो जब आपने आज़ाद सहाफ़ियों को कभी अपना असासा नहीं समझा जब आपको उनके अंदर अक्ल दानिश नज़र नहीं आई जब आपको उनके अंदर कभी भी वो तमाम खसूसियतें नज़र नहीं आई जो खसूसियतें आपको कुछ और लोगों में नज़र आती थी तो आज आप कैसे कह सकती हैं कि आज़ाद सहाफ़त जम्मू कश्मीर में रही इस मुल्क में रही ही नहीं आज़ाद सहाफ़त ख़त्म हो गई अब तो सब लोग जो हैं वो बीजेपी के गुलाम हैं अब तो सब लोग जो हैं वो वही कहते हैं जो बीजेपी कहती है आजाद सहाफत सिर्फ एक मैं अपनी चौदह साल के इस तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं कि आजाद सहाफत सिर्फ एक ख्वाब है ख्वाब था और खाब ही रहेगा सहाफत कभी आजाद नहीं रही है कलम कभी आजाद नहीं रहा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कलम बिल्कुल भी आजाद नहीं रहा है और अगर किसी को भी ये लगता है कि उसका कलम आजाद है और वो आज़ादी के साथ लिख रहा है तो उसे आधा घंटा अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा और आराम से बैठकर अपने मन में डूब कर देखना होगा कि वो जो लिख रहा है क्या वो आज़ाद सहाफत है या वो भी गुलामी है किसी एक सोच की किसी एक जहन की किसी एक फिक्र की या किसी एक एजेंडे की ये बहुत आसान है कहना कि हम हम तो बिल्कुल आज़ाद हैं हम जो लिखते हैं बिल्कुल आज़ादी के साथ लिखते हैं मुमकिन नहीं है कोई मुखालफत कर रहा है चलिए मिसाल दे दीजिए कोई मुखालफत कर रहा है तो कोई काम गिना रहा है जो मुखालफत कर रहा है हम कभी भी उसको उस चश्मे से देखने के लिए तैयार नहीं कि ये मुखालफत कर क्यों रहा है जो मुखालफत ये कर रहा है क्या ये मुखालफत कुछ हक की बुनियाद पर कर रहा है क्या इसके पास कुछ हकाइक हैं जिस बुनियाद पर यह मुखालफत कर रहा है और जो हकाइक इसके सामने रखे गए हैं क्या ये हकाइक किसी एक कहीं ये हकाइक किसी एक सोच की अक्कासी तो नहीं कर रहे और दूसरी तरफ जो काम गिनवा रहा है ये जो काम गिनवाने वाला है क्या ये किसी एक सोच की अक्कासी कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोनों अपनी अपनी सोच की अक्कासी कर रहे हैं जिसे तस्वीर धुंधली और मैली नजर आ रही है वो भी एक सोच की अक्कासी कर रहा है और जिसे तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल बहुत खूबसूरत नजर आ रही है वो भी एक सोच की अक्का कर रहा है क्या सहाफत ये है हमने तो ये सुना और सीखा था कि सहाफत न तस्वीर के ऊपर सिर्फ मैल कुचैल है और ना ही ये कि तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी है ये दोनों चीजें सहाफत के दो पहलू तो हो सकते हैं सहाफत नहीं सहाफत ये है कि आपको तस्वीर के अंदर जहां मैल कुचैल नजर आ रहा है वहां उस तस्वीर के अंदर अगर कोई अच्छी चीज है अगर उस तस्वीर के अंदर कोई खूबसूरती है अगर उस तस्वीर का बनाने वाला कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है वो भी उस चीज को भी हाईलाइट करना उस चीज़ को भी सामने लाना सहाफत है हमने यही सीखा था हमने ये सीखा था कि सहाफत है जब आप अपने मजहब अपनी जात पात अपने इलाके इन तमाम चीजों से हटकर जब आप बात करें वो सहाफत है जब हम चश्मा पहनते हैं तो हमको ये मालूम पड़ता है कि बहुत मुश्किल है इस चश्मे को उतार कर देखना बहुत सारे दोस्त हैं वो जम्मू में हैं ही नहीं बहुत सारे दोस्त हैं कश्मीर में हैं ही नहीं लेकिन कश्मीर को लेकर सहाफत कर रहे हैं कश्मीर में बैठे हुए दोस्त जम्मू को लेकर सहाफत कर रहे हैं जम्मू के जम्मू के माशरे में जो रहा ही नहीं उसे सब कुछ मालूम है उसे इस माशरे की मुकम्मल समझ कुछ एक कुछ एक चार पांच लोगों से आ जाती है और उसके मुकाबले में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी कश्मीर में खत्म करके आए और उसके बाद उस पूरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी अगर कोई बात करे अमेरिका में बैठ के करे दिल्ली में बैठ के करे कहा जाता है किसे मालूम क्या है कश्मीर के बारे में यह भी सहाफत नहीं है कि हम सब टीआरपी की रेस में और, और बड़ा अजीब लगता है मुझे जिस वज़ी आला या जिस वज़र आजम की हम लोग सुबह से लेकर शाम तक तनकीद करते हैं जिस मुल्क के आइन की सुबह से लेकर शाम तक हम तनकीद करते हैं जिस मुल्क के कानून को से हम खुश नहीं जिस मुल्क की अदलिया से हम लोग खुश नहीं जिस मुल्क के वज़र आजम से हम लोग खुश नहीं बड़ी हैरानी हैरानगी होती है अगर वही वज़ीर अल वही वजीर अज़म वही कानून के लोग आपकी किसी स्टोरी को ट्वीट या रिट्वीट कर दें हम उसको तमगे इम्तियाज़ समझ कर अपने यहाँ अपने गले में लटका लेते हैं क्या ये हकीकत है कि नहीं है तो इसलिए सहाफ़त के वो जो कानून सहाफत के सहाफ़त के वो जो जबते वो आज के इस टी आर पी के दौर में उसकी हम बात ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है और आज कल तो इसलिए भी बात ये नहीं कही की जा सकती क्योंकि मुलाजिम सहाफ़त कर रहा है और सहाफ़ी मुलाजमत कर रहा है ये ये हालात हैं ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं बहुत सारे हमारे अखबार के दफ्तर हैं जिन अखबार के दफ्तरों को सहाफी नहीं चला रहे मुलाजिम चला रहे हैं और सरकारी मुलाजमों को ये सरकारी मुलाजमों को ये इजाजत मिली इजाजत दी गई कि दिन भर आप जो है अपनी सरकारी मुलाजमत करें और शाम को जाकर अखबार के दफ्तरों में अपनी ही हुकूमत की तनकीद करें उसी हुकूमत की तनकीद करें जिस हुकूमत के आप वफादार हैं जो हुकूमत आपको तनख्वाह देती है यह सहाफत भी हमने जम्मू कश्मीर में देखी है और ये सहाफत भी जम्मू कश्मीर में हुई है और आजकल भी हो रही है अगर ये हकीकत है तो फिर सहाफ़ियों को यह सबक पढ़ाना कि आप अमेरिका से सीखिए यह सही बात नहीं इसलिए किसी भी सहाफी को किसी भी पार्टी के साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने से पहले गिरेबान में झांक कर देखिए आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में भी ये सब कुछ किया है और ये उसी का नतीजा है कि आज आप परेशान हैं और आज, आज आप खुद कहते हैं कि लोगों में बड़ी बेबसी है बड़ी बेचैनी है लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं लोगों में बेबसी और बेचैनी कम है बेबसी और बेचैनी आप में ज्यादा नजर आ रही है